हेलो गाइस, कैसे हो? मैं आपका दोस्त सलीम खान। गाइस, आज हम आए हैं एसके इलेक्ट्रिकल्स फॉरम। तो गाइस, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये सारे बंदे हैं, ये अनिल जी हैं, और ये देखिए ये यहाँ पर सारे कार्य हो रहा है। ये यहाँ पर टेस्टिंग करी जाती है, इन्वर्टर चार्जर वगैरह सब चेक करे जाते हैं। तो गाइस, ये जो होता है मीटर, ये देखिए, ये वोल्ट मीटर है 300 एम्पीयर तक। एक ये मीटर है, ये विश्वान से, कौन सी भाई, ये कौन सा मीटर है? फिर घंसी का। हेलो। और ये एक, ये भी वोल्ट मीटर ही है, इसमें एक ST3 लगा रखा है इन्होंने, और एक दो तीन, तीन फाइव पिन है, 6-6 एम्पीयर के, और एक 16 एम्पीयर का है, और तीन स्विच ये लगे हैं। ये इनका सब चीज़ चेक करने का है, और यहाँ पर इन्वर्टर वगैरह ये लोड डालकर चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये यहाँ पर सभी कार्य करते हैं। ये देखिए, नया स्टेबलाइजर बनाया है इन्होंने, स्टेबलाइजर भी नई सेटिंग करते हैं। एसके, अगर केराना से बिलोंग करते हैं आप लोग तो एसके इलेक्ट्रिकल्स, ये पानीपत रोड पे जो है, चिंटू मोबाइल वाला, आस्था मोबाइल वाले की जड़ में है, और फास्ट सर्विस है। ये देखिए, 10 KV का, 10 KW का स्टेबलाइजर है। ये लेके आप 500 वाट से और 10-15 किलो वाट तक का स्टेबलाइजर बनाते हैं यहाँ पर, इससे ज़्यादा लोड नहीं उठा सकते हैं। ये बच्चे हल्के हैं, ये देखिए, ये बच्चा जो है दिख रहा है आपको, जोगिंदर जी, ये 10 किलो वाट से, ऐसा है ना जी, ये 10 किलो वाट स्टेबलाइजर इसलिए बनाते हैं, उठा लेते हैं इसको बॉडी से, और जो इससे ऊपर बड़ा है वो नहीं उठा पाते, तो इसलिए वो कर नहीं पाते ये। तो ये मनोरंजन के लिए था ज़रा सा, तो मैं जैसा कि आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो जोगिंदर जी, ये 10 किलो वाट का स्टेबलाइजर है, तो इसमें क्या काम, क्या कमी आ रही थी? बस ठुकरा था। अच्छा, स्टेबलाइजर यो ट्रांसफार्मर बंद था इसका, तो ये तो सारी रिले भी इसमें मेरे ख्याल से शायद नहीं डाल दिया आपने? नहीं है जी, सब फुकरी थी, तो बस एक बॉडी पुरानी रह गई इसमें, आग लगी थी बिल्कुल आग। अच्छा जी, तो ये क्या, किस वजह से फुका है? वोल्टेज तेज आ गई थी। तो सिंगल फेस में था ये? हाफ डबल में था। अच्छा, भी दोनों में कर दिया आप, अगर सिंगल फेस भी आएगा और डबल भी तब भी ये काम करेगा, अब ये फूकने का चांस कम है। अच्छा, अगर इस स्थिति में भी फूक आता है तो फिर क्या कमी रहती है? अगर ये इस तरीके से भी, मान बताया, जब हमने गर्म ठंडा का लेके 100 से लेके 500 वोल्ट तक बांध दिया आपने इसको, और अगर इसके बीच में जो ट्रांसफार्मर बैठता है, फिर इसमें क्या वजह होती है? अच्छा, मकान का ओवरलोड होने पर, या फिर कोई ट्रांसफार्मर का तार LT पे गिर जा 11000 का। अच्छा, ऐसा भी होता है। अच्छा जोगिंदर जी, एक चीज़ की और जानकारी चाहिए थी मुझे, जैसा कि वो लगा जाता है हाई कट, वो हाई कट किसे कहते हैं? क्या उससे क्या किंच के, मतलब स्टेबलाइजर बचेगा या फिटिंग बचेगी उससे? आगे की लाइन। अच्छा अच्छा, आगे की आउटपुट बचेगी, हाँ मकान की लाइन बचेगी। तो अगर आपका स्टेबलाइजर परेशान कर रहा है और ये करता है कि फिटिंग जो है घड़ी घड़ी का चार्जर पटका रहा है, कोई वो पटका रहा है, तो आप उसमें हाई कट ज़रूर लगवाएं। ऐसा होता है जैसा लाइट एकदम तेज कमती बत्ती हो जाए, तो उस वजह से हाई कट लगना जरूरी होता है। तो ये देखिए, एक ये विकास जी हैं। विकास जी, आप आज आप क्या कार्य कर रहे हो? ये एक साइड का इन्वर्टर है जी। अच्छा अच्छा, एक साइड का इन्वर्टर है, इसमें मेन की प्रॉब्लम थी। अच्छा, मेन की प्रॉब्लम थी, हो गई सही या कुछ? हाँ जी, हो गई। तो इसमें मेन की प्रॉब्लम में क्या दिक्कत आ रही थी? इसे छोटा वाला ट्रांसफार्मर करंट पास नहीं कर रहा। अच्छा, ये जो ट्रांसफार्मर है ये करंट पास नहीं कर रहा था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये देखिए गाइज, मैं आपको इलेक्ट्रिक एसके इलेक्ट्रिक की दुकान में लेकर आया हूँ, और यहाँ पर सभी कार्य का काम चल रहा है। यहाँ पर नए इन्वर्टर भी उपलब्ध हैं। तो विकास जी, यहाँ पर मौजूदा कौन रहते हैं? यहाँ पर आप लोग रहते हो, तो मोबाइल नंबर कौन सा चल रहा है आपका? यहाँ पर जो दुकान पे रहते हैं उसमें मोबाइल नंबर कौन सा लगा हुआ है? सतीश वाले, एसके वाले चल रहा है ना? हाँ, एसके वाले चल रहा है। 97-58-35-31। अच्छा, नंबर ये गलत है, हो गया था नंबर, नंबर बताइए क्या था? 97-58-35-99-35। हाँ हाँ, 97-58-35-99-35। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, फास्ट सर्विस है। ये देखिए, बहुत काफी बड़ा सर्विस सेंटर है।
तो अगर केराना से बिलोंग करते हैं तो पानीपत रोड आस्था मोबाइल की जड़ में आप आ सकते हैं, एसके आप इनसे संपर्क कर सकते हैं।